बेहद मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी अपनी बीमारी की वजह से इतनी परेशान रही कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अब हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में आज ये बताना चाहेंगे, श्वेता तिवारी के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे खबर आई, और उनके बेटे को लेकर, क्योंकि बेटे से वो जुदा बीमारी की वजह से रह रही हैं। ऐसे में हम आपको अब हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे एक बार फिर से खास तौर पर कि कैसे श्वेता तिवारी जो काफ़ी परेशान रह रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने प्रॉब्लम की वजह से जूझ रही हैं, बुरी स्थिति का सामना करती आई हैं काफ़ी समय तक। आज उनके घर का एक राज हम आप सभी के बीच ज़रूर खोलना चाहेंगे, श्वेता तिवारी के घर का वो राज जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीपी लो होने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड रही श्वेता तिवारी के घर पर एक बार जो है ऐसे झगड़े हुए उनके पति अभिनव कोहली के साथ कि वो बहुत तंग आ गई थी। जी हाँ, साल 2019 की बात है। श्वेता के घर पर उनकी बेटी पलक के साथ अभिनव की काफ़ी बुरी लड़ाई हुई थी। श्वेता तिवारी ने अपने हस्बैंड, एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली को लेकर बताया था कि कैसे काफ़ी प्रॉब्लम में उनकी बेटी रही। वैसे आपको बताना चाहेंगे अभिनव कोहली के बारे में, श्वेता तिवारी के हस्बैंड अभिनव कोहली ने जितने भी इल्ज़ाम लगे थे उन पर, इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके दोस्त ने कहा, श्वेता के बारे में कहा जाए तो श्वेता की माँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कराने के लिए मजबूर किया था अभिनव को पूरी तरह से अपनी बेटी के तौर पर जो है पलक को हमेशा प्यार देते हुए देखा गया है, ऐसा कहना था उनकी फ्रेंड का, अनुराधा सारीन का। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पलक के साथ मिसबिहेव किया था अभिनव कोहली ने सौतेली बेटी के साथ। राजा चौधरी और श्वेता तिवारी की बेटी पलक के साथ मिसबिहेव किया अभिनव कोहली ने, जिसके कारण पुलिस केस तक हुई। घर पर झगड़े बहुत बढ़ गए थे। वो घर जहां पर तीनों पहले साथ रहते थे, उस घर में ऐसे झगड़े हुए कि झगड़े के बाद जो है पूरी तरह से घर बिखर कर रह गया। श्वेता तिवारी जो है अपनी बेटी पलक के लिए स्टैंड लेकर पुलिस कंप्लेन कर बैठी, और अभिनव को जेल की सजा काटनी भी पड़ी। तब से श्वेता तिवारी के हस्बैंड जो हैं उनके साथ नहीं रहते, और श्वेता अपने बेटे और बेटी को लेकर उनके घर से जुदा रह रही हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।